दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलीफिक्स जेल ग्लू से WPC बोर्ड, वुड बोर्ड और MDF बोर्ड पर किस तरह से माइका लगाकर इनके किनारों पर PVC टेप लगाते हैं। पॉलीफिक्स जेल ग्लू से लगी माइका और टेप कितनी मजबूती से और कितने कम समय में WPC बोर्ड, वुड बोर्ड और MDF बोर्ड से चिपक जाती है, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैजिकल वर्ल्ड ऑफ पॉलीफिक्स में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए पॉलीफिक्स जेल ग्लू, जिसकी मजबूत पकड़ को देखकर आप चौंक जाएंगे। WPC बोर्ड पर माइका लगाने के लिए सबसे पहले हम कपड़े से साफ किए हुए WPC बोर्ड पर पॉलीफिक्स जेल ग्लू अच्छी तरह लगाते हैं। इसके लगाने का प्रोसेस यही है कि हम इसे लाइंस के रूप में लगाएं, ताकि बीच में जगह खाली ना रहे और पॉलीफिक्स जेल ग्लू पूरी तरह से बोर्ड पर लगता चला जाए। जब पॉलीफिक्स जेल ग्लू WPC के बोर्ड पर पूरी तरह से लग जाता है, हम रेगमाल से माइका को स्मूथ करके उस पर भी पॉलीफिक्स जेल ग्लू लगभग इसी तरह लगाते हैं। फिर माइका को WPC के बोर्ड पर रख देते हैं और माइका को हिला हिला कर पॉलीफिक्स जेल ग्लू को अंदर से पूरी तरह फैला लेते हैं, ताकि बाल बराबर भी सूखी जगह ना रहे। अब माइका लगे WPC बोर्ड को किसी वजन से दबाकर रख देते हैं। इसको मशीन से भी दबा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ मैनुअली एक पत्थर की मदद से आपको दबाकर दिखाया है। अब इसे कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम वुड बोर्ड पर माइका लगाने के लिए वुड बोर्ड को भी एक कपड़े से साफ कर लेते हैं और माइका को रेगमाल से घिसकर स्मूथ कर लेते हैं। फिर हम पहले दिखाए गए WPC बोर्ड की तरह वुड बोर्ड पर भी पॉलीफिक्स जेल ग्लू उसी प्रोसेस से लाइंस के रूप में लगाते चले जाते हैं कि कोई जगह बाकी ना रहे। फिर माइका पर भी पॉलीफिक्स जेल ग्लू लगाते हैं और माइका को वुड बोर्ड पर रखकर हिला हिला कर हर जगह पॉलीफिक्स जेल ग्लू को फैला देते हैं। फिर कपड़े की मदद से सभी जगह से उसे दबाकर ठीक तरह से चिपका देते हैं। अब इस पर कम से कम 10 मिनट के लिए वजन रख देते हैं, ताकि ये भी एकदम मजबूती के साथ चिपक जाए। लगभग 10 मिनट के बाद इस वजन के नीचे से वुड बोर्ड को निकालते हैं। अब हमें इसके किनारे पर PVC टेप लगानी है। इसके लिए हम इसके किनारों को स्मूथ करते हैं। हम यहाँ ऐसे ही स्मूथ करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप यही काम रंदे से बड़ी ही आसानी के साथ कर लेते हैं। किनारे को स्मूथ करने के बाद हम यहाँ PVC टेप लगाने के लिए PVC टेप को किनारे से नाप कर काट लेते हैं। फिर PVC टेप पर अच्छी तरह से पॉलीफिक्स जेल ग्लू लगाते हैं। फिर टेप को वुड बोर्ड के किनारे पर चिपका देते हैं। पहले हाथ से थोड़ा दबाते हैं, फिर कपड़े से अच्छी तरह दबाकर उसे नीचे करके अच्छी तरह दबाते हैं। फिर दूसरी साइड पर ऐसे ही पॉलीफिक्स जेल ग्लू बोर्ड के किनारे पर और PVC टेप पर लगाकर उन्हें आपस में ठीक तरह से चिपकाकर कपड़े से सेट कर देते हैं। और कुछ ही सेकंड में पॉलीफिक्स जेल ग्लू की मदद से वुड बोर्ड और PVC टेप मजबूती के साथ चिपक जाते हैं। अगर हम इन्हें पॉलीफिक्स जेल ग्लू की जगह सिंथेटिक रबर एडहेसिव से चिपकाते, तो हमें इन पर मास्किंग टेप लगाकर लगभग 24 घंटे के लिए रखना होता है, तब ये आपस से चिपक सकते हैं। अगर बरसात या सर्दी का मौसम हो तो इसको सेट होने में इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसके बावजूद ज्यादा गर्मी होने पर सिंथेटिक रबर एडहेसिव से लगा जोड़ खुल भी जाता है, लेकिन पॉलीफिक्स जेल ग्लू के इस्तेमाल से लगभग 10 सेकेंड में ही वुड बोर्ड पर PVC टेप मजबूती के साथ चिपक जाती है और गर्मी में छूटने का भी कोई खतरा नहीं। अब हम वुड बोर्ड की सभी साइड्स पर पहले की तरह PVC टेप लगाते चले जाते हैं। वुड बोर्ड की दूसरी साइड पर भी माइका लगाने के लिए पहले की तरह माइका को रेगमाल से स्मूथ करते हैं। फिर वुड बोर्ड पर पॉलीफिक्स जेल ग्लू लगाकर उसे पत्ती से अच्छी तरह फैला देते हैं। फिर उस पर माइका रखकर चिपका देते हैं। अब हम WPC के बोर्ड को भी स्मूथ करते हैं, उस पर पॉलीफिक्स जेल ग्लू लगाते हैं और उसे एक पत्ती से फैला देते हैं। फिर उस पर PVC टेप रखकर हाथ से दबाकर फिर कपड़े से सेट कर देते हैं। और ये देखिए, WPC बोर्ड पर PVC टेप पॉलीफिक्स जेल ग्लू की मदद से लगभग 10 सेकंड में ही पूरी मजबूती के साथ चिपक चुकी है।
न मास्किंग टेप लगाकर 24 घंटे रखने का झंझट और न ही ज्यादा गर्मी में जोड़ खुलने का खतरा। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम WPC बोर्ड के हर तरफ PVC टेप को बड़ी ही आसानी से कुछ ही सेकंड में मजबूती के साथ चिपका देते हैं। अब हम MDF बोर्ड पर माइका लगाने के लिए पहले माइका को रेगमाल से अच्छी तरह स्मूथ बनाकर MDF बोर्ड और माइका को कपड़े से साफ कर देते हैं। फिर MDF बोर्ड पर पॉलीफिक्स जेल ग्लू लगाते हैं और उस पर माइका रखकर हिलाकर पॉलीफिक्स जेल ग्लू को अंदर से पूरी तरह फैला लेते हैं और पहले हाथ से फिर कपड़े से दबाकर उसे सेट कर देते हैं। और यही प्रक्रिया दोहराते हुए MDF बोर्ड की दूसरी साइड में भी पॉलीफिक्स जेल ग्लू की मदद से माइका चिपका देते हैं। अब हम लगभग 10 मिनट के बाद WPC बोर्ड से PVC टेप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे छुड़ाना अब आसान नहीं। हमने इसके लिए लोहे के औजारों का भी इस्तेमाल किया, ये तब भी नहीं छूटी। अगर कहीं से PVC टेप छूटी भी तो WPC बोर्ड को साथ में लेकर छूटी, ये देखिए। फिर हम WPC बोर्ड से माइका को भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है। पॉलीफिक्स जेल ग्लू की मदद से 10 मिनट में माइका WPC बोर्ड से इतनी मजबूती से चिपक चुकी है कि हथौड़े और औजारों से भी छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। अगर मुश्किल से कुछ छूटी भी है तो WPC बोर्ड को लेकर छूटी है। अब हम वुड बोर्ड से माइका छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, ये भी नहीं छूट रही। बहुत मुश्किल है। फिर हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। काफी मेहनत के बाद माइका छूटी भी तो वुड बोर्ड को साथ लेकर छूटी, लेकिन पॉलीफिक्स जेल ग्लू का जोड़ नहीं छूटा। अब हम वुड बोर्ड से PVC टेप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जब नहीं छूटी तो हथौड़े से छुड़ाना चाहा, लेकिन नाकाम। कुछ टुकड़े छूटे भी तो वुड बोर्ड को साथ लेकर छूटे। अब हम MDF बोर्ड से भी 10 मिनट के बाद पॉलीफिक्स जेल ग्लू से चिपकाई हुई माइका को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ भी वही हाल। हथौड़े बरसाने के बाद कुछ माइका छूटी तो वो भी MDF बोर्ड को साथ में लेकर छूटी, लेकिन पॉलीफिक्स जेल ग्लू का जोड़ नहीं खुला। खास बात यह है कि WPC बोर्ड का इस्तेमाल खास तौर से किचन या बाथरूम में किया जाता है, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होता है और हमारा पॉलीफिक्स जेल ग्लू भी वाटर रेजिस्टेंट है। पॉलीफिक्स जेल ग्लू बहुत जल्दी अपनी पकड़ बना लेता है। इसके इस्तेमाल में मास्किंग टेप की जरूरत भी नहीं होती है। इससे आपका खर्चा, समय और लेबर सभी की बचत होती है और प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो है ना दोस्तों, पॉलीफिक्स जेल ग्लू कमाल की चीज। पॉलीफिक्स जेल ग्लू लेने के लिए यहाँ संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9212430840 और 9212430841। हमारी वेबसाइट्स हैं www.bensonpolymers.in और www.polyfix.in।